मीरा भाईंदर में देह व्यापार का धंधा जोर शोर से चल रहा है। खासकर मीरा भाईंदर के कई होटल लॉजिंग और बोर्डिंग के नाम पर होटल खोलते हैं और घंटे के हिसाब से होटल किराए पर देते हैं। कई होटल में तो लड़कियां भी सप्लाई की जाती है। मीरा भाईंदर में आए दिन देह व्यापार के मामले में पुलिस कार्रवाई करती रहती है, लेकिन फिर भी देह व्यापार का धंधा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थाने ग्रामीण के एसपी डॉक्टर महेश पाटिल के अवैध गतिविधियों के खिलाफ इतने सख्त होने के बावजूद भी देह व्यापार, डांस बार, हुक्का पार्लर जैसी जगह मीरा भाईंदर में धड़ल्ले से चल रही है। अभी दो दिन पहले ही मीरा भाईंदर के काशीमीरा के एक डांस बार बॉसी के अश्लील डांस का वीडियो सिटी हेडलाइंस न्यूज ने दिखाया था। मीरा भाईंदर के नव नियुक्त एसडीपीओ अतुल कुलकर्णी को रेड हॉर्स होटल में चल रहे देह व्यापार की खबर मिली। उन्होंने फॉरन एसएस ब्रांच के संजय बांगर को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। एसएस ब्रांच के संजय बांगर और उनकी टीम ने मिलकर काशीमीरा के रेड हॉर्स होटल में रेड किया और वहां से चार लड़की, दो वेटर और होटल के मैनेजर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक लॉजिंग बोर्डिंग के नाम पर इस तरह के होटल चलते रहेंगे, और हम मुख्य दर्शक बनकर आपको न्यूज दिखाते रहेंगे इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो बंद होगा ये सब। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। हमारी और वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।